हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए तिल बर्फ़ी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे कि हम घर की बेसिक चीज़ों से ही बनाएंगे, पर इसका टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली मावे की बर्फ़ी की तरह आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए कोई भी कटोरी या फिर घर का कोई कप सेट कर लीजिए, उसी से नाप का सारा मेजरमेंट कीजिए। तो इस तिल बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी तिल। नेक्स्ट इसी कटोरी से नाप कर मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूँगफली के दाने लिए हैं। ये कच्चे वाले मूँगफली के दाने हैं। मूंगफली के दानों को अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं कोई ख़राब वाला दाना रह जाएगा तो हम उसे हटा देंगे। मूंगफली के दानों में बहुत सारा प्रोटीन होता है तो ये हमारी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगी। और नेक्स्ट अब उसी कटोरी से नापकर हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी शक्कर, मतलब कि जितनी तिल उतनी ही मूँगफली और उतनी ही शक्कर। अब सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें इन तिल को क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तिल को धीमी आँच पर भुनेंगे और जब तक भुनेंगे जब तक ये चटकने ना लगे। और ये चेक करने पर जब हम हाथों के बीच में दबा रहे हैं तो आसानी से पिस रहा है, मतलब कि हमारे तिल अच्छे से भुन गए हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इस रेसिपी में हमें तिल को ना तो ज़्यादा भुनना है और ना ही कम भुनना है, क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे तो उसमें कड़वेपन का टेस्ट आएगा और कम भुनेंगे तो तिल कच्चे लगेंगे, इसलिए हमें इन्हें परफेक्ट भुनना है। अब सेम पैन को फिर से गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें लो फ्लेम पर मूँगफली के दानों को भून लेंगे। लो फ्लेम पर भुनने से दाने अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएंगे और बाहर से उनका कलर डार्क भी नहीं होगा। दानों का कलर चेंज नहीं हुआ है और छिलके भी आसानी से हटने लगे हैं, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जब तक दाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं, तो उन्हें हम कोरसली ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मिक्सी का एक सूखा वाला जार लेंगे और उसमें सारे तिल को डाल देंगे। मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा दरदरा, इस तरह का हम इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरह का पाउडर हम तैयार कर लेंगे। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसे साइड में रखेंगे और हमारे दाने ठंडे हो चुके हैं तो उसके हम छिलके हटा लेते हैं। मूँगफली के दानों के सारे छिलके हमने हटा दिए हैं और सारे छिलके हट गए, मतलब कि दाने बहुत अच्छे से अंदर तक भुने हैं और दानों का कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हमें मावे की बर्फ़ी जैसा लुक देने के लिए इसी तरह के दाने चाहिए। अब इन दानों को हम मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे और बारीक ग्राइंड करेंगे। मेरा ये एकदम मूँगफली के दानों का बारीक पाउडर तैयार हुआ है। यदि आपका पाउडर बारीक ना हो तो उससे आप छान लीजिए। दानों को बारीक करके डालने से बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये तिल मूंगफली की बर्फ़ी है या तिल और मावे की। मूंगफली के पाउडर को भी हम तिल वाले बाउल में डाल लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 मिल्क पाउडर का पाउच। ये 10 रुपीज़ वाला डेरी वाइटनर का पाउच है, इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे एक रिच टेस्ट आएगा बर्फ़ी में। और यदि आपके पास ये ना हो तो आप बिल्कुल ना डालें, इसके बगैर भी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। और इससे आप ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर भी इसी टाइम पर इसमें मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को साइड में रख देंगे। अब हम उस बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें कि हमें बर्फ़ी जमाना है। इसे हम डायरेक्ट ग्रीस करके भी बर्फ़ी इसमें जमा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसमें बटर पेपर लगाया है क्योंकि बटर पेपर लगा देने से बाद में बर्फ़ी को काटना और उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। मैंने बटर पेपर को इसमें बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। और ये हमारा पॉट तैयार है बर्फ़ी जमाने के लिए, इसे हम साइड में रख देंगे। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और जो चीनी हमने मेज़र करके रखी है उसे इसमें डाल देंगे। अब जिस कटोरी से नापकर हमने शक्कर ली है उसका 1/2 इसमें हम पानी डाल देंगे। गैस की लो फ्लेम पर हम शक्कर को घुलने देंगे। शक्कर के घुलने के 5 मिनट बाद इस हम चाशनी को चेक कर लेंगे। शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और इस तरह देखिए 5 मिनट बाद ये तार भी गिरने लगा है। अब हम इसे चेक करेंगे, देखिए तार बनने लगा है। 2 उंगलियों के बीच में जब तार इस तरह बनने लगे मीन्स की चाशनी ऑलमोस्ट हो गई है। तो इसमें हम तैयार किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को हम चाशनी में अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गैस पर से उतार कर नीचे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
मिक्सचर को हम पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे, इसे हाथों से हिलाते रहेंगे और फिर थोड़ा सा हाथ में उठाकर चेक कर लेंगे। मिक्सचर को हम जब तक बर्फ़ी के ट्रे में नहीं डालेंगे जब तक कि हमें पूरा कंफर्म ना हो जाए कि ये बर्फ़ी सेट करने लायक हुआ है या नहीं। हाथों के बीच में जो मिक्सचर लिया है उसकी गोली बनने लगे, मतलब कि हमारा मिक्सचर रेडी है बर्फ़ी सेट करने के लिए। अब इसे ग्रीस किए हुए बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इन केस यदि आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो उसे 5 से 7 मिनट के लिए गैस पर फिर से पकाएंगे और इस कंडीशन में ले आएंगे। और यदि मिक्सचर कढ़ाई में एकदम जमने लगे तो उसमें 2 से 3 चम्मच दूध मिलाएंगे, उसे थोड़ा नरम करेंगे फिर जमाएंगे। ऊपर से इसे लेवल कर लेंगे या फिर 2-3 बार टैप कर देंगे। लेवल करने के बाद इसे मन चाहे तरीके से सजा सकते हैं, चाहे तो ड्राई फ्रूट से, चांदी के वर्क से या फिर नारियल के बुरादे से। इस टाइम पर इस पर ड्राई फ्रूट कतरन लगा देने से वो बर्फ़ी के सेट होने के साथ साथ ही उसमें सेट हो जाती है और काटते टाइम बाद में गिरती भी नहीं है। मैं यहाँ पर पिस्ता कतरन डाल रही हूँ और इसे हाथों से दबा देंगे जिससे कि वो बर्फ़ी में अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने को रख देंगे। करीब 1 से 2 घंटे में हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। आप इसे मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बटर पेपर हटा लेते हैं। देखिए बटर पेपर लगा देने से बर्फ़ी कितनी अच्छे से पूरी तरह निकल गई है। अब हम चाहे जिस प्लेट में रखकर इसे काट सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को इक्वल कर लेंगे। देखिए इसके कॉर्नर से ही आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ी कितनी परफेक्ट सेट हुई है। अंदर तक एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये चाकू क्लीन निकल के आ रहा है, मतलब कि हमारी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट सेट हुई है, ना एकदम ड्राई है और ना ही अंदर से गीली है। मैं यहाँ पर इसे गजक के शेप वाले पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो डायमंड शेप के पीसेस में भी कट कर सकते हैं। लग रही है ना बिल्कुल मावे की बर्फ़ी की तरह। इस तरह बनाकर इसे आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ना ही इसके टेस्ट में कोई चेंज आता है। मैंने इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, आप भी इसे बनाइए। 100% परफेक्ट रेसिपी है। और इसका टेक्सचर बिल्कुल मावे की बर्फ़ी की तरह आता है। एक बर्फ़ी तोड़कर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से एकदम दानेदार है, एकदम सॉफ्ट है और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर से कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।